वडोदरा ग्रामीण एलसीबी पुलिस द्वारा फिल्मी तरीके से कार का पीछा करते हुए शराब के जत्थे के साथ तीन कैरियर वैसे अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जहां पुलिस ने कुल मिलाकर 9 लाख कीमत का शराब का मुद्दा माल जब्त किया है। वडोदरा शहर में रात्रि कर्फ्यू का कड़े रूप से पालन करने के बावजूद बुटलेगर काफी सक्रिय बनते हुए शराब की हेराफेरी तेज बना रहे हैं, तो वहीं वडोदरा पुलिस विभाग द्वारा भी प्रोहिबिशन के गुनाह को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाया गया है। वडोदरा जिला एलसीबी पुलिस द्वारा मिली खबर के आधार पर डभोई बोडेली रोड पर आए हुए दीपापुरा गांव से कार का फिल्मी तरीके से पीछा करते हुए तीन अपराधियों की शराब के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तारी की गई, जहां पुलिस को खबर मिली थी कि तीन कैरियर कार में सवार विदेशी शराब का जत्था लेकर वडोदरा की ओर आने वाले हैं, जहां पुलिस ने सूचित स्थल पर लगाई गई वॉच के दौरान सूचित नंबर वाली कार को रोकने की कोशिश की थी। तो वहीं कार चालक पुलिस को देख भागने की कोशिश करते हुए पुलिस ने फिल्मी तरीके से कार का पीछा करते हुए आखिरकार तीन अपराधी की गिरफ्तारी करते हुए शराब का मुद्दामाल जब्त किया था। पुलिस ने गोपालपुरा गांव के पास कार को रोकने की कोशिश करते हुए कार चालक ने कार नहीं रोकने के साथ पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया, जहां बाद पुलिस ने कार को पकड़ते हुए गाड़ी से कुल मिलाकर 2,73,600 कीमत की विदेशी शराब की बोतलों का जत्था बरामद किया था। पुलिस ने कार शराब का जत्था, मोबाइल फोन, नकद रुपए कुल मिलाकर 9,94,100 रुपए का मुद्दामाल जब्त करते हुए अपराधी वैसा बाबर, हबीब पठान, आमिन रफीक शेख और चेतन अशोक राणा की गिरफ्तारी की है।